हेलो बच्चों, तो हम लोग जो हमारा एग्ज़ाम पेपर है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसकी फर्स्ट यूनिट से ही आज स्टार्टिंग करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट यूनिट, हम लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा कि वेक्टर क्या चीज़ होती है और स्केलर क्या चीज़ होती है। व्हाट? वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर्स मेरे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो कि दोनों होती हैं, मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स। इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे कि वेलोसिटी और मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको कि हम लोग बी से बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एटसेट्रा। ओके, सिमिलरली इन द सेम वे स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर मेरी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिनकी की ओनली मैग्नीट्यूड होती है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो इनके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, एटसेट्रा। अब अगर हम बात करें कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज दैट वी हैव टेकन ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसके अंदर के दो पॉइंट्स हैं मेरे ए बी, और एक वेक्टर है जो कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो ये एरो है और ये ए बी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर है जिसकी की लेंथ है ए टू बी और डायरेक्शन है इसकी ए बी। ओके, तो ये एक इसका देखो मैग्नीट्यूड भी हुआ पर्टिकुलर और डायरेक्शन भी हुई, तो इसीलिए ये क्या हुआ मेरा एक वेक्टर हुआ। ओके, तो वेक्टर के अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इस टाइप से। तो हम लोग एक बार 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 से इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इक्वल वेक्टर। क्या कहा मैंने? इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर मेरे वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। मतलब दो वेक्टर्स को मैं कब इक्वल कहूँगी? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं दो वेक्टर्स, एक लिया मैंने सी और एक लिया डी। ओके, तो ये देखो ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है इधर, और ये डी वेक्टर है, ये है इसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ हुई यहाँ से यहाँ तक। तो सी और डी वेक्टर मेरे तब इक्वल होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो उस टाइम पे हम लोग कहेंगे कि सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। ओके, सिमिलरली इन द सेम वे नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन होती है। जैसे कि हम लोगों ने सी एंड डी वेक्टर्स को ही लिया था, तो सी वेक्टर इधर था, डी वेक्टर मेरा इसमें इधर था, हम लोग नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए डी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो सी वेक्टर है वो डी वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर नेगेटिव टू ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली वी विल डिस्कस नाउ अबाउट यूनिट वेक्टर। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका कि जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो यूनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। डायरेक्शन तो इसकी सेम होती है गिवन वेक्टर के, और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी के इक्वल होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे कि अगर मेरा एक वेक्टर है ए, तो इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से। ए कैप की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? ए कैप की प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि वेक्टर को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। जब हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, इट मींस कि वो यूनिटी के इक्वल रहा, और यूनिटी के इक्वल आया तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कैप को, क्या यूनिट वेक्टर है। हमारे पास थ्री एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड।
इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के रिस्पेक्टिवली, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, उसके बाद अगला हम लोग डिस्कस करेंगे को इनिशियल वैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? को इनिशियल वैक्टर्स। को इनिशियल वैक्टर्स का मतलब क्या है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है इन वैक्टर्स का वो बिल्कुल सेम होता है, सेम टेल। ओके, जैसे कि ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर एंड डी वैक्टर। ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर एंड डी वैक्टर, ये चार वेक्टर्स हैं। इन चारों का देखो इनिशियल पॉइंट मतलब कि टेल, टेल क्या है, सबकी सेम है, तो इसीलिए इन चारों को क्या कहा जाएगा? को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, कोलिनियर वेक्टर के बारे में। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मेरे वो होते हैं जो कि सेम लाइन पे लाई करें। ओके, लाइंस मेरी पैरेलल भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। जैसे कि कोलिनियर वेक्टर ये ओ ए बी, ओ ए एंड ओ बी, ये क्या है? मेरे दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ओके, इनके देखो सेम लाइन पे हैं और अपोजिट डायरेक्शंस हैं, ये पैरेलल लाइन पे भी हो सकते हैं और सेम डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अब हम लोग फिक्स और लोकलाइज्ड वेक्टर की। किसकी? फिक्स्ड और लोकलाइज्ड, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स और लोकलाइज्ड वेक्टर मेरे वो वेक्टर्स होते हैं जिनके की टेल को फिक्स कर दिया जाता है, मतलब फिक्स टेल। ठीक है, द वेक्टर्स हैविंग फिक्स टेल आर नोन एज फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे फ्री और नॉन लोकलाइज्ड की, फ्री और नॉन लोकलाइज्ड की। फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर वे होते हैं जिनके की टेल फिक्स नहीं होती, मतलब जो मूव करती रहती है टेल। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम ले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका? एक मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसका टेल हम लोग जहां से भी चाहे वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका टेल क्या हुआ? फिक्स नहीं हुआ, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अब बात आई मेरी लास्ट वेक्टर टाइप की, दैट इज नोन एज नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर, ये वेक्टर्स जिनका कि जीरो मैग्नीट्यूड होता है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? जीरो। जैसे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ मेरा जीरो, तो इस टाइप के वेक्टर्स जिनका कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो होते हैं मेरे नल वेक्टर। दैट्स ऑल, हमारे आज के सारे टाइप्स कंप्लीट हुए। वैसे तो ये सब आपने 12th क्लास में भी डिस्कस कर ही रखा है बेटा, लेकिन एक बार हम लोग हमारी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ दैट। अभी हमारे 3-4 लेक्चर और लगेंगे इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसमें जो भी कोई डाउट होगा उसको हम लोग डाउट क्लास में दूर करेंगे। और बेटा इससे रिलेटेड जो आपके पास बुक हो उसमें जो न्यूमेरिकल हो वो न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने की कोशिश करना। ओके, ओके बेटा, थैंक यू।